हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बॉर्न विद किड्स। आज हम यूकेजी और फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश के एक वर्कशीट देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। यूज ए और एन। तो ए और एन के बारे में मैंने बहुत सारे इंडिविजुअल वीडियोस पहले डाले हुए हैं, आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। जहां भी वर्ड में जो साउंड आता है स्टार्टिंग का, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो हम यूज करते हैं अ, और अगर वो वाउल साउंड होता है, वाउल साउंड के लिए आपको पता होना चाहिए वाउल्स कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, तो अगर वाउल साउंड आ रहा है तो हम एन यूज करते हैं और कंसोनेंट के लिए ए यूज करते हैं। अब वर्ड देखिए, एग, ए, आप बोल के देख रहे हैं तो अ का साउंड आ रहा है, इट मीन्स वाउल साउंड, तो हम यहाँ पे ए एन यूज करेंगे। सिमिलरली यूनिफॉर्म। अब देखिए स्पेलिंग तो यहाँ पे यू है और आपको लगेगा कि यू इज अ वाउल, सो वी कैन पुट हेयर एन, बट ये रॉन्ग है। हम यहाँ पे एन पुट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बार बोल के देखिए यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म तो साउंड आ रहा है य का, और य जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, सो वी आर यूजिंग अ हेयर, अ यूनिफॉर्म। एप्पल, अ तो ए एन। बनाना, ब ए। बुक, ए। ट्री, ए। बलून, ए। एप्रिकॉट, एन। बॉटल, ए। पेन, ए। इस टाइप से ऐसे ही आपको सेंटेंसेस में यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, राइट प्लूरल्स। प्लूरल्स लिखने हैं, बॉल का बॉल्स बन जाएगा, काइट का काइट्स, हाउस हाउसेस, ओके, लाइट लाइट्स, मैंगो। अब देखिए मैंगो में एस नहीं ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। लीफ में, लीफ में एल ई ए वी ई एस, ओके, एफ जो है वो वी ई एस बन जाता है प्लूरल में। और ऐसे ही कुछ कुछ हमारे प्लूरल हैं जिनमें ई एस लगता है। नेक्स्ट आप देखिए, चेंज द जेंडर। जेंडर चेंज करना है, मैन वुमेन, हैन कॉक, किंग क्वीन, फादर मदर, सन डॉटर, ओके, बॉय गर्ल। नेक्स्ट देखिए, मैच द नाउन्स विद करेक्ट प्रनाउन्स। तो नाउन पे और प्रनाउन पे भी मैंने अलग अलग वीडियोस चैनल पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर मेल है मतलब बॉय है या मैन है तो हम उसके लिए ही यूज करते हैं, तो ये चला जाएगा ही के लिए। सीता एक गर्ल है तो शी। अब देखिए गर्ल्स है मतलब बहुत सारे हैं, तो दे। टॉय के लिए इट, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स के लिए हम इट यूज करते हैं। कॉमल एंड आई मतलब आप तो हो उसमें, उस आपके साथ आपका कोई फ्रेंड भी है, तो वी मतलब हम, ओके, इस टाइप से। नेक्स्ट आप देखिए, री राइट द सेंटेंस। सेंटेंस में जो वर्ड्स हैं उनकी जो पोजीशन है, प्लेस है, वो चेंज की हुई है, इसलिए उनका कोई मतलब, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। आपको उनको सही जगह लिखना है ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके। फॉर एग्जाम्पल, हैव फोर फ्लावर्स आई, तो इसका बनेगा आई हैव फोर फ्लावर्स, इस टाइप से, ओके। नेक्स्ट आप देखिए, मार्केट क्लोज इज टुडे, तो इसका बनेगा मार्केट इज क्लोज टुडे। लाइक आई रेड अम्ब्रेला, आई लाइक रेड अम्ब्रेला। इज व्हाट योर नेम, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट देखिए, सर्किल द नाउंस। अब यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, नाउंस को आपको सर्किल करना है। नाउन कौन कौन से होते हैं, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो ये है आपका पहला नाउन, टेबल। चेयर इज ऑल्सो ए नाउन। सोहन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, सो इट इज ऑल्सो ए नाउन। मंकी इज ऑल्सो ए नाउन। क्राई, नो इट्स नॉट नाउन। थिंक, ये भी नाउन नहीं है। लाफ, ये भी नाउन नहीं है, ये वर्ब है। ये सारे क्राई, थिंक, लाफ, रन, ये भी वर्ब है। देन वाटर इज ए नाउन, टॉय इज ए नाउन, डेली इज ए नाउन,
ब्यूटिफुल इज नॉट ए नाउन, ओके। तो इस टाइप से आपको सर्किल कर देने हैं। राइट एन एडजेक्टिव फॉर द गिवन वर्ड्स। अब एडजेक्टिव्स अगर आपके सिलेबस में आपको सिखाए गए हैं स्पेशली फॉर यूकेजी किड्स, तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं सिखाए गए हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। एडजेक्टिव एक्चुअली होते क्या हैं, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी आप इन्हें बोल सकते हैं। कोई भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए ब्यूटिफुल, इट्स अ एडजेक्टिव। जैसे गर्ल के लिए हम क्या एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं, नाउन दिए हुए मैंने आपको, उनके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करना है। गर्ल के लिए हम ब्यूटिफुल कर सकते हैं, थिन, ओके, स्मार्ट, इंटेलिजेंट, इस टाइप से। तो हम यहां पे लिख देते हैं ब्यूटिफुल। नेक्स्ट रिवर, तो रिवर डीप हो सकती है इस टाइप से। हाउस, बिग हाउस हो सकता है। बुक, बुक कैसी हो सकती है जो कि आपको अच्छी लगे, तो हम इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं। हॉरर बुक हो सकती है, कॉमिक बुक हो सकती है। ट्री, ट्री कैसी हो सकती है, बिग हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। डॉग, डॉग कैसा हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। कलर भी एडजेक्टिव्स में आते हैं, ओके। तो ये थी हमारी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। और भी किस टॉपिक्स पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।